एक ओर आंसुओं की धारा तो दूसरी ओर थप्पड़ की बरसात। जहां एक ओर ट्विंकल ने कुंज की जान बचाई, वहीं दूसरी ओर लीला अनीता के गाल पर थप्पड़ चढ़ती नजर आई। आज युवराज नहीं तो अनीता आंटी ही उनकी दुखती रख पर हाथ रखती नजर आई। पहली बार तो 5 खाए थे मैंने, आज फिर मार के मैं भी मारूंगी। पर अनीता बाज नहीं आती ना, तो क्या करूँ? और एक मुझे बार भी मारना है, मतलब मारना है, बेकर्स प्लीज सुनो, मुझे भी सबको मारना है। मुझे मुझे इसको भी मारना है, मुझे बेबी को भी मारना है, मुझे उषा को भी मारना है। तू एक काम कर, तू अपना सर मार ले। एक्चुअली वही करना पड़ेगा आई गेस, मुझे नहीं मारने को मिलता है, ये लोग ही मुझे मारते रहते हैं यार। अरे अरे अनीता आंटी, क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी कि जैसी करनी वैसी भरनी? खैर कोई बात नहीं, लीला आंटी ने वैसे भी आपके हर सवाल का जवाब दे दिया है। लेकिन हमारा सवाल कुंज और ट्विंकल से है कि आखिर घर में ये कौन सा नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। कुंज आखिर किस बात की सफाई अपने घर वालों को दे रही है? एक्चुअली सिकल सेल एनीमिया है उसे, ये बहुत ही रेयर टाइप का बीमारी होता है, बहुत हजारों में एक को होता है, तो वो है। प्लस उसका ब्लड टाइप भी बॉम्बे टाइप ब्लड है, जो ऑल्सो वेरी रेयर है, मैंने पहली बार सुना। प्लस हमने उसे ठुकवा दिया है, तो वो चोट भी खाया हुआ है। यही तो प्रॉब्लम है, ये लोग ठुकवा दें और हम इन्हें ठोकते हैं। ओह तो ये बात है। खैर एक और जहाँ ट्विंकल और कुंज ने अपनी सच्चाई घर वालों को बताई, वही दूसरी ओर अनीता आंटी को भी अपने सवालों का जवाब मिल गया। लेकिन देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर अनीता आंटी अपने इस थप्पड़ का जवाब किस तरह से देंगी। खैर आपको उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और इस सस्पेंस को जानने के लिए यूं ही हमारे साथ बने रहना होगा। सो कीप वॉचिंग टेली मसाला।